लाइव पे मौजूद है भारत, पहली रैंक आई है उनकी, क्या कुछ उनका कहना है इस पर? देखिए बिल्कुल, आईएएस आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 का परीक्षा परिणाम कल आरपीएससी की ओर से जारी किया गया था। प्रदेश भर में पहले स्थान पर रही है झुंझुनू जिले की मुक्ता राव, उनसे बात करते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुक्ता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है, पहला स्थान आपने प्रदेश भर में हासिल किया, किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी सफलता है? सर, सफलता बड़ी है और जैसे कि मैं सुबह से सभी आप को कह भी चुकी हूँ कि मैं सभी की शुभकामनाओं के लिए आभारी हूँ, सबके गाइडेंस के लिए आभारी हूँ, लेकिन ये एक अपने आप में एक चुनौती के रास्ते का द्वार खोलती है। तो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड कि मुझे समाज के लिए काम करने का मौका मिलेगा। एक गृहिणी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है कि किस तरह का माहौल आपको मिला होगा, कैसे आपने तैयारी की और पहले स्थान हासिल किया? सर, गृहिणी के लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि उसको बहुत सारा टाइम मिल जाता है, दोपहर में घर को मैनेज कर सकती है, बच्चे स्कूल जाने के बाद में खूब टाइम ही टाइम है, अपने सारे कामों की प्रायोरिटीज़ को बाद में कर लीजिए और पढ़ने की प्रायोरिटी को आगे रख लीजिए। तो जब मेरा बेटा 5 घंटों के लिए स्कूल जाता था तो मेरे पास वो पूरे 5 घंटे खुद की सेल्फ स्टडी के लिए होते थे। और आरएएस का एग्ज़ाम चूँकि बहुत लंबा काम है और इनफैक्ट हम सारे कैंडिडेट्स उसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, तो 5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। सर, किसको देना चाहेंगे सफलता का श्रेय, कौन है ऐसे आपका जो मोटिवेटर आपको हमेशा रात शुरू से ही? क्या सर, मेरा बेटा जिसने मुझे अक्सर ये हमेशा ये पूछता था स्कूल से आते ही, मम्मा आज आपने कितनी पढ़ाई करी, मम्मा आपने टारगेट्स को मीट कर लिया, मम्मा मैं मेरे होमवर्क खुद कर लूँगा, यू जस्ट अश्योर्ड यू प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। दूसरा सर, किसी भी व्यक्ति की सफलता उसकी खुद की सफलता नहीं है, मैं सब मानती हूँ, सारे परिवार, सारे शुभेच्छा देने वाले लोग, सारे टीचर्स, सारे ऐसे लोग जिन्होंने आपको किसी न किसी तरीके से सहयोग दिया है, इवन मैं तो सारे डोमेस्टिक वर्कर्स जो मुझे हेल्प करते हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरा सहयोग दिया, मुझे टाइम मिला इसीलिए मैं पढ़ पाई। तो टू एवरीवन थैंक यू सो मच। और भी कई लोग होते हैं जो आरएएस की प्रिपरेशन करते हैं लेकिन बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? सर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मत डरिए और अगर स्ट्रांगली अपने आप पे विश्वास कीजिए, ये प्रक्रिया अल्टीमेटली पूरी तो होती ही है, ये अभी थोड़ा टाइम ले रही है लेकिन मुझे पूरा यकीन है। अभी रिसेंट कुछ कमेटी बनाई गई है श्री एम एल कुमावत जी की अध्यक्षता में और उनकी रिकमेंडेशंस को यदि इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम हर साल वैकेंसीज आएंगी और हर साल हम इसको देख पाएंगे। और आपके माध्यम से मैं कैंडिडेट्स को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम देखते हैं यूपीएससी हर साल एग्जाम करवाती है, हर साल रिजल्ट्स आते हैं, हमारे यहाँ कैंडिडेट्स कोर्ट पहुँचते हैं और वो अननेसेसरी बहुत लंबा डिले हो जाता है। तो मेरे सारे भाइयों बहनों जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि कोर्ट का दरवाज़ा कम से कम खटखटाया जाए ताकि हम हर 12 महीने बाद में एक वैकेंसी को देख पाएँ और इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर पाएँ। ये एक अननेसेसरी डिले है जो इस प्रोसेस को बहुत लंबा कर देता है। सर देखिए, आयुषी ये है मुक्ता राव और उनके बच्चे हैं जो उनके मोटिवेटर हैं, जो हमेशा से मम्मी को मोटिवेट करते थे कि मम्मा आपने कितनी पढ़ाई की, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। बेटा, किस प्रकार से आप मम्मी को मोटिवेट करते थे, डेली स्कूल से आते थे, मम्मा बता रही कि आप पूछते थे कितनी घंटे आपने पढ़ाई की, तो आप भी चाहते थे कि मम्मा आरएएस बने? मैं भी चाहता था और मैं रोज़ पूछता था कि मम्मा आपने कैसे पढ़ाई की, क्या किया, टाइम वेस्ट नहीं किया, कि किस चीज़ में इन्वेस्ट किया। तो और जब भी मम्मा डिमोटलाइज हो जाती थी तो मैं उनको पुश करता था, मम्मा यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अच्छा, आप क्या बनेंगे आगे चल के, आपका क्या मकसद है, क्या गोल बनाया है आपने अभी से? मेरा आईएएस बनने का है। अच्छा, ऐसा कोई सा दिन था जिस दिन मम्मा ने पढ़ाई नहीं की और अब आपने मम्मा को डांट लगाई, मम्मा आपने पढ़ाई नहीं की आज? नहीं, ऐसा तो कोई दिन नहीं था, मम्मा रोज पढ़ाई करती थी। देखिए, ये है उनके मुख्तराब के बच्चे जिन्होंने हमेशा अपनी माता जी को मोटिवेट किया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उनके हस्बैंड, उनसे ही बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपकी बेटी आरएएस साथ बनी है, किस प्रकार का खुशी का माहौल आज आपके बीच? सर, हमारे परिवार में, हमारे सारे रिलेशन में सब लोग बहुत खुश हैं, इस दिन के देखने के लिए हम बहुत सालों से वेट कर रहे थे। ये पहले आईटी इंडस्ट्री में थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, काफ़ी सालों तक इसने जॉब किया वहाँ पे, फिर मेरा ये बेटा का जन्म हुआ उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि आप आईटी इंडस्ट्री को प्लीज़ स्किप कर दें और इसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। ये एक फुल टाइम जॉब था, ठीक है, सो इसने इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ में पूरी फैमिली की देख रेख करने के साथ साथ में कुछ टाइम निकाला और अपने को दिया, मतलब पढ़ाई के लिए दिया,
और इसने आज उसका रिजल्ट आज इसको मिला है। ये शुरू से ही टैलेंटेड है, शुरू से मतलब बाई बोर्न ही इसका बहुत ही अच्छा, मतलब इसने हर जगह टॉप किया, ठीक है। तो ये एक अंडर यूटिलाइज थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कि अब ये राइट टाइम है कि सबने हमने अचीवमेंट कर लिया। मैं एक प्रोफेसर हूँ, ठीक है, पीएचडी कंप्यूटर साइंस में हूँ, मणिपाल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हूँ, तो अब इसका टाइम था। मैंने कहा आप, कोई एज नहीं होती है 40 इयर्स की, किसने कहा 40 इयर्स में मैं कैसे करूँ। मैंने कहा कर लोगी आप, ठीक है। तो बेटे ने, मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, सब ने सपोर्ट किया, इनके पेरेंट्स ने, सब ने सपोर्ट किया और आज ये दिन आपके सामने। आपको अपनी वाइफ के टैलेंट पे पहले से ही भरोसा था या बाद में भरोसा हुआ कैसे? इसको इस पे मुझे 2003 से ही भरोसा था। 2003 में हम मिले थे और 2007 में हमारी शादी हुई थी, ठीक है। मुझे पता था ये मेरे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैंने कहा ये बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, तो वो तो होना ही था। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे टैलेंटेड होते हैं सर? हाँ, ऑब्वियसली होते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 100% होते हैं। मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, मेरी वाइफ राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट है, आज आपके सामने है। देखिए आयुषी, आपने सुना कि उन्होंने, जो उनके पति, उन्होंने कहा कि उनको पहले ही पता था कि उतनी पत्नी का टैलेंट कितना अच्छा है और यही कारण रहा कि उन्होंने लगातार अपनी पत्नी को, लगातार मुख्तार आप जी को ये छूट दी कि वो पढ़ाई करें और उसके साथ साथ जो उनके बच्चे हैं 5 साल के, उनके बच्चे हैं, वो हमेशा से मोटिवेट करते आए हैं और समय समय पर मम्मा से पूछते रहते थे कि आपने कितनी पढ़ाई की। यही कारण है कि आज परिवार में खुशी का माहौल है। जी आयुषी जी, बिल्कुल भारत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।